नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की नंबर वन एएमसी का नंबर वन म्यूचुअल फंड। अब नंबर वन एएमसी से आपको पता पड़ गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो फंड दिख रहा है इसका कंप्लीट रिव्यू करके बताएंगे और यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी आपको बताएंगे और यहाँ पे बताएंगे पर्टिकुलर जो ये फंड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना। सर आपने ये तो बता दिया कि आज का हमारा वो फंड है एसबीआई एएमसी का है, लेकिन एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है उसकी कौन सी स्कीम है? तो आज का हमारा जो फंड है उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड की आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस स्कीम की कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में उनकी इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, वो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। अगर आप वहां पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा किस किस मार्केट में और कहाँ कहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। तो ऐसी अगर हम बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, तो कॉन्ट्रा फंड तो पहली बात वो फंड होते हैं, ठीक है। अब फंड मैनेजर क्या करता है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो पर्टिकुलर फंड मैनेजर क्या करेगा, फंड मैनेजर के पास आपके 1,000 रुपए गए। अब फंड मैनेजर आपके जो 1,000 रुपए है उसको ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेगा जिसका मार्केट अभी के टाइम में डाउन जा रहा है, लेकिन फंड मैनेजर को जर को ये लग रहा है कि भैया इसका फ्यूचर है, काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में उसने 10 स्टॉक देखे फंड मैनेजर ने, अब 10 में से उसको 5 ऐसे स्टॉक लगे जिसका मार्केट अभी के टाइम में डाउन जा रहा है, लेकिन फंड मैनेजर को लग रहा है कि ये 5 स्टॉक जो अभी के टाइम में डाउन है इसका फ्यूचर अच्छा है, भविष्य में ये हमको रिटर्न बना के दे सकते हैं, एक स्टेबल वैल्यू बना के दे सकते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करता है, अभी के टाइम में डाउन जा रहे हैं तो कम वैल्यूएशन पे क्या करता है, जो ये स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है, जिससे क्या हो, जब ये स्टॉक है इनके वैल्यू बढ़ जाए तो जितने भी इन्वेस्टर है उनको यहां से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो जो कॉन्ट्रा फंड होते हैं इस तरह की फिलॉसफी से काम करते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे रिस्क आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर कॉन्ट्रा फंड में किस तरीके के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये कॉन्ट्रा फंड है ना, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही नहीं चाहिए। बिकॉज क्या होता है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका भारी मात्रा में नुकसान हो सके। ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। संभावना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल भी सकता है और भविष्य में आपको नुकसान हो भी सकता है, जो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ है, मान लीजिए 2020 के अंदर यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2021 आ गया, आपका इन्वेस्टमेंट था कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान लीजिए आ गया 2022, ठीक है, आपका गोल था मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 साल में जो भी रिटर्न मिलेगा मैं ले लूंगा। लेकिन देख लीजिए आपको जो ग्राफ के बीच में लाइन दिख रही होगी, ये अपनी मिड लाइन है, उससे भी मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा था उस वैल्यू से भी ये नीचे की तरफ चले गया। इसलिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं होते हैं। अगर बात आती है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में इसका आप ग्राफ देखो, इसका ग्राफ किस तरीके से बढ़ता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, एकदम से नीचे चले जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जाने के बाद एकदम से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी ये संभावना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल भी सकता है और आप जितना रिटर्न सोच रहे हो उतना रिटर्न आपको मिल भी नहीं सकता है, ये डाउन भी जा सकता है। तो अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो तभी जाके आप इस प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करना, बिकॉज ये अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को शामिल करता है जिसका मार्केट, आपने देखना अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें, देख लीजिए अगर यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग दिख रही है 103। अब जो 103 आपको ये स्टॉक दिख रहे हैं ना, इनमें ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो अभी के टाइम में वो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, काफी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ट्रेड की बात करें तो कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे डाउन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, जितना भी आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है वो इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे अप जा रहे हैं और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसको फंड मैनेजर ने करंट टाइम में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करा है, जिसका वैल्यूएशन की बात करें जिसका मार्केट अभी के टाइम में सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसका मार्केट अच्छे होने की पूरी संभावना रहती है, पूरी संभावना रह भी सकती है और ये संभावना गलत भी हो सकती है। अब क्या होता है, अगर आप किस प्रकार के, अगर किसी भी कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल के आता है वो आता है फंड मैनेजर का। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर फंड मैनेजर का इसलिए है बिकॉज फंड मैनेजर यहाँ पे दो हैं, दिनेश जी हैं और प्रदीप जी हैं। दिनेश जी 2018 हैं,
2018 में नियुक्त हुए थे और प्रदीप जी 2023 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अब क्या होता है, अगर कॉन्ट्रा फंड में जितना पुराना फंड मैनेजर होगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा क्यों है, आज मान लीजिए 2018 में आपने इन्वेस्टमेंट करा और 2018 में फंड मैनेजर थे दिनेश जी, तो दिनेश जी को पता है 2018 में मैंने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है उनको शामिल करा था जिनका मार्केट उस टाइम पे सही नहीं था, लेकिन 2024 में उन स्टॉक में से ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो काफी बेटर रिटर्न बना के दे रहे हैं, काफी अच्छी वैल्यू पे मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या होता है, जितना पुराना फंड मैनेजर होता है उसको अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक होते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी रहती है। इसलिए अगर किसी भी कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको पहला फैक्टर तो ये देखना है कि फंड मैनेजर है वो पुराना होना ही चाहिए। इसलिए अगर आप बात करोगे तो SBI कॉन्ट्रा फंड ये नंबर वन म्यूचुअल फंड है दोस्तों। बिकॉज क्या है, देखो पहली चीज तो SBI हो गई, SBI इंडिया की नंबर वन AMC है, नंबर वन AMC है और इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एक अलग ही तरीके की है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जो कॉन्ट्रा फंड है जिसमें काफी रिस्क देखने को मिलता है उसको भी क्या करा, इसने नंबर वन पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर AUM की बात करें कॉन्ट्रा फंड की तो देख लीजिए 37,845 करोड़ का इसका AUM है। आप 500 रुपए की SIP और 5,000 रुपए का यहाँ पे लमसम कर सकते हो। हम वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे बिकॉज जितनी भी डिटेल थी वो मैं कंप्लीट आपको वन बाय वन देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पैरामीटर है उसकी भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इक्विटी में लग रहा है 98%, डेब्ट में लग रहा है 5.7% और कैश में लग रहा है 4.7%। अब क्या है होता है, अगर कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन काफी देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा इक्विटी में भी जाता है तो डेब्ट में भी इन्वेस्ट होता है। तो काफी अच्छी बात है ये, बिकॉज क्या, अगर इस तरीके का फंड है जो मार्केट से रिस्क ले रहा है उसमें अगर डेब्ट भी हो तो काफी बेटर यहाँ पे चीज बनी रहती है। अब बात करते हैं देख लीजिए इसके बीटा की। बीटा मोस्टली क्या होता है, 1% के अंदर होता है तो रिस्क कम माना जाता है, कम रिस्क के अंदर पर्टिकुलर फंड हमको रिटर्न बना के देता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे बीटा आपको 0.79 दिख रहा है, बीटा यहाँ पे 1% से कम दिख रहा है। बिकॉज अगर बात करें तो इंडिया की नंबर वन AMC का फंड है, इसलिए इनके जो मैनेजमेंट के स्टाइल है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। इसलिए यहाँ पे बीटा देख लीजिए बिल्कुल कम दिख रहा है, जिससे बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप कॉन्ट्रा फंड को देखोगे तो अपने जो बेंचमार्क है उसको क्या करते हैं, ये बीट करने में इनको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन देख लीजिए अल्फा का मतलब है कि पर्टिकुलर ये फंड है, ये फंड आपको जो रिटर्न दे रहा है वो अपने बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो परसेंटेज यहाँ पे आपको शो होती है। तो देख लीजिए इतना रिस्क वाला फंड है फिर भी आप देखोगे तो अपने बेंचमार्क को है ये 11.66% से बीट कर रहा है। इसलिए क्या है दोस्तों, ये नंबर वन पोजीशन पे आता है। रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो तो इजीली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आपको चैनल पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो यहाँ पे तीन प्लान आपको शो रहे होंगे। तीनों प्लान में अलग अलग फैसिलिटी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट आप ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके इसकी डिटेल ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। अगर इसके बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन की तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको देखने को मिलता है 11.88 का। अब क्या है पर्टिकुलर, अगर हम बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की, अब क्या होता है जो SBI है ये तो आपकी हो गई AMC, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रा फंड है ये हो गई है कैटेगरी। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इस कैटेगरी का देखें तो इस कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिलेगा वो मिलेगा 13.12 का, लेकिन पर्टिकुलर हमारा जो SBI का है इस फंड का जो इस फंड का जितना भी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 11.88 है। मतलब इसकी कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे कम है। इसलिए देखोगे आप तो यहाँ पे इस हिसाब से देखोगे तो रिस्क मार्केट से कम रिस्क लेके यहाँ पे अच्छे खासा रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया जा रहा है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे सीधी सी बात है, बार बार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि इंडिया की नंबर वन AMC है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की इनकी फिलॉसफी है बिल्कुल ही अलग तरीके की रहती है। बिकॉज अगर SBI के आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को देखना वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न बना के देंगे। बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है इनकी बिल्कुल अदर्स फंड से अलग तरीके की रहती है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ इस तरीके के सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर रिटर्न की बात करें तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपको रिटर्न शो हो रहे होंगे। अब देख लीजिए वन ईयर का रिटर्न इसका 48% का है, अगर तीन साल के रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न कम हो चुका है। बिकॉज अगर हम ग्राफ के तौर पर देखें तो क्या होता है,
अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, और ये भी संभावना है कि शॉर्ट टर्म में आपने जितना पैसा लगाया है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि SBI इंडिया की नंबर वन AMC है तो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दो। भैया आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रिस्क आप झेल सकते हो, ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनको नजर अंदाज ना करें, इनको देख के ही आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। 5 ईयर का रिटर्न देखे तो 32% आ गया, ऑल टाइम का रिटर्न देखे तो 18% आ गया। तो ऑलमोस्ट दोस्तों इस फंड की जितनी भी डिटेल थी यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दी है। देख लीजिए असेट्स एलोकेशन की बात करें तो आपका पैसा इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्ट हो रहा है देख लीजिए कंप्लीट यहाँ पे फिगर लिखा हुआ, लार्ज कैप में भी हो रहा है, मिड कैप में भी हो रहा है, स्मॉल कैप में भी हो रहा है। लार्ज कैप के अंदर 48% हो रहा है, मिड कैप के अंदर 26% हो रहा है, और स्मॉल कैप के अंदर 14% पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेबल कंपनी में तो आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन स्टेबल कंपनी में भी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट करंट टाइम में अच्छा भी है, और कुछ ऐसी कंपनी है जिनका करंट टाइम में मार्केट अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा बना रहता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।